हेलो क्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल की थर्ड वीक की, जो कि 15 से 22 के लिए है। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। पॉस्चुरेंट Six of Moon, the Pope. Okay, Aquarius, मुझे लग रहा है कि आप इस बात से sad हैं कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं इनफ, या फिर शायद उनसे मिल नहीं पा रहे, फिजिकली उनको देख नहीं पा रहे। इस चीज को लेके मुझे आप थोड़े टेंस दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ सिक्स ऑफ मून है, तो सर्टनली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही हैं। मे बी किसी टॉपिक पे अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं, चीजों को शायद आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मे बी कुछ समय से आपको ये चांस नहीं मिला है कि आप अपनी बात अपने पार्टनर के समय सामने रख सके। शायद आप उनसे कहना चाहते हैं कि जो चीजें हुई उन्हें हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, या फिर शायद आप उनसे कहना चाहते हैं कि आप एक बैलेंस के लिए, एक नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, या इस तरह की कोई चीज। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ बात आपसे कही थी और आपने उसे सही तरीके से लिया नहीं, मिस अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपने उस बात को सही तरीके से लिया नहीं, और उस समय शायद आपने उन लोगों की बात सुनी जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसके कारण चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया, आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया, और उस चीज को लेकर आप परेशान हैं, सैड है। पॉस्चुरेंट का कार्ड है इधर, लेकिन यहां पोप का कार्ड है। तो एक्वेरियस, एक चीज जान लीजिए कि आपको इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप अगर उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं और सामने वाले से बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर ऑल इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। और यहां पे कार्ड है पोप का, सो आपके पार्टनर जो है वो आपसे पूरी तरह से डेडिकेटेड है, ठीक है। अगर आप उनके साथ नहीं भी हैं, अगर आप उनसे फिलहाल बात नहीं भी कर पा रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो भी आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए वहां पे हैं, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई है, वो आपको किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे और रूडली बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी भी आपको चाहते हैं, ओके। और वैसे ये जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली सबके साथ मैच नहीं करेगी, मगर अगर आपसे मैच करती है तो आप इसे अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देख लें। और प्रीवियस रीडिंग, इसके अलावा ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। और हाँ, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो दूसरे साइड से भी ये रेजोनेट कर सकती है, रिवर्स एनर्जी जिसे हम कहते हैं। लेट्स चेक आपके लिए और क्या मैसेजेस है एक्वेरियस। Messages for Aquarius for the third week of April. Three of Moon. Okay. ये जो आपकी इनसिक्योरिटी है Aquarius, ये आपको बार बार पुश कर रही है कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट के लिए पूछें। आप अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं, क्योंकि आपके मन में एक इनसिक्योरिटी बैठ गई है कि कहीं आप उनको लूज ना कर दें,
उन पास्ट एक्सपीरियंस के कारण जो आपके लाइफ में हुए हैं, और थर्ड वीक में मैं इस इनसिक्योरिटी को देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं और आप अपने पार्टनर को पुश कर सकते हैं कमिटमेंट के लिए, या आपके पार्टनर आपको पुश कर सकते हैं कमिटमेंट के लिए। ठीक है, किसी तरीके का अनाउंसमेंट आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर कर दे, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि वो आपके लिए हमेशा हैं या आपके साथ ही अपनी लाइफ बिताएंगे। ओके, शायद आप उनसे ये कहेंगे कि आपके फैमिली मेंबर से बात करें या अपने फैमिली मेंबर से बात करें, या किसी चीज को पब्लिकली एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, या अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है एक्वेरियस, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके सामने ही उस थर्ड पार्टी को मना करें किसी तरीके का अप्रूवल। वैसे मुझे लगता नहीं कि थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पोप का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे डेडिकेटेड है, मुझे लगता नहीं, बट ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करती। तो अगर थर्ड पार्टी है तो आप इस चीज के लिए अपने पार्टनर को पुश करेंगे कि वो आपको इस बात का प्रूफ दें कि वो उस थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं। ओके, या फिर आपके मन में सिर्फ वहम है इस चीज का, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है। लेट्स चेक कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। एक्वेरियस मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। द लेडी, ओके, सो आप मुझे हैप्पी दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस इस वीक के एंड तक, बिकॉज शायद जॉब कमिटमेंट अपने पार्टनर से मांग रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। ओके, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, और यहां है जो कार्ड द लेडी का, इससे मुझे ये दिख रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपने पार्टनर की लॉयल्टी से, आपको ये भरोसा हो जाएगा कि वो आपसे ही कमिटेड है और कहीं और किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके ही साथ उनका फ्यूचर है। आपको ये भरोसा मिल जाएगा अपने पार्टनर से, अगर आप उन्हें पुश कर रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि आप इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी परेशानी समझते हैं, और शायद पॉसिबली क्योंकि ये कार्ड द सन का है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि बहुत चांसेस है कि आपको अपने पार्टनर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और आपको कमिटमेंट मिल जाए इस चीज के लिए, जो भी आप कमिटमेंट उनसे मांग रहे थे, और आप फाइनली ऐसे हैप्पी हो रहे हैं जैसे कि इस चीज के लिए आप कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और वो चीज फाइनली हो गई। एक्वेरियस, ठीक है, ये पर्सन आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है। नेक्स्ट चेक की और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। थ्री ऑफ स्टार्स, सेवन ऑफ स्टार्स। ओके, सो यहां पे आपको कमिटमेंट भी मिल रही है, बट फॉर नाउ आपके लिए इतना आसान नहीं होगा उस कमिटमेंट को इमीडिएटली पूरा करना। वैसे ये बात आप समझते हैं, यहां पे सेवन ऑफ स्टार के साथ यहां मुझे आपके पास ऑफर दिखाई दे रहा है। आप अगर देख रहे हो तो ये रोज है, जैसे कि सारे कार्ड्स आए हैं, तो यहां पे आपको ऑफर मिलेगा, यहां पे आपको प्रपोजल मिलेगा, यहां आपको भरोसा मिलेगा, ट्रस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं आपका इंतजार अभी भी चल रहा है विद दिस थ्री ऑफ स्टार। इंतजार इस बात का कि आपको फाइनली ये वर्ड्स कब ट्रू होते हैं, अभी भी वेट आपके अंदर है। आप हैप्पी हैं, बहुत हैप्पी है, क्योंकि आपने कोई ऐसी बात सुनी जो आप लंबे समय से सुनना चाहते थे और ये आपके लिए जरूरी था, रिलेशनशिप के लिए क्रूशियल था।
बट देन यहां पे वेट है, यहां पे अभी वेट है इस बात को लेके कि आपको फाइनल ग्रीन सिग्नल कब मिलता है और कब आपको अलाउ होता है इस चीज को आगे ले जाने का, प्रोसीड करने का. ठीक है, सो ओवरऑल ये रीडिंग अच्छी है. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये दिख रहा है कि आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, आपको कमिटमेंट मिल रहा है, बट इस कमिटमेंट के पूरे रियल वर्ल्ड में रियलाइज होने तक थोड़ा वेट है आपके लिए. आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देखते हैं एक्वेरियस. मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल. Freya, phases and cycles. There is beginning within every ending. Illusions are revealed and released. Okay. आपके रीडिंग के साथ ये ओरेकल बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है. Illusions are revealed and released. आपके मन में जितने वहम है कि आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहे, आपको डाउट है, आप इनसिक्योर है, आपको किसी थर्ड पार्टी से डर लग रहा है, नो, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सारे वहम साफ हो जाएंगे और आपके सारे डर इनसिक्योरिटी इस वीक में खत्म हो जाएगी. देयर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग. सो अगर आपको लग रहा था कि आप अपने रिलेशनशिप के एंड पे आ गए हैं तो याद रखिए ये एंड आपके रिलेशनशिप का नहीं है, ये एंड है नेगेटिविटी का. आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी और एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा. ठीक है, सो ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है एक्वेरियस आपके लिए थर्ड वीक के अप्रैल की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.